हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले मैथ के टॉप 15 सवाल जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आप बहुत ही कम लाइक कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐड कर पाऊं। ठीक है, चलिए यहां पे पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, और इसमें बोला जा रहा है ए तथा बी एक कार्य को अकेले अकेले क्रमश 45 दिन में तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त कर दिया। ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा था? तो टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में भी पूछे जा रहे हैं अभी, तो ध्यान से देखिएगा। हमारा टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो जितने दिन में कार्य करता है उसको लिख लेते हैं। ए कितने दिन में कर लेता है? 45 दिन में, और बी कर लेता है 40 दिन में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? एलसीएम या फिर कोई भी ऐसी संख्या जो इन दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 360 ले लिया, 360 इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। आप कोई भी संख्या यहाँ पे रख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इन दोनों से डिवाइड हो जाए तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होती है, मतलब कम्प्लीटली पॉइंट में आता है, तो वो आपका क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 360 रखा। 360 ये क्या है? टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, यानी कि 360 को ए 45 दिन में कर लेता है और बी 40 दिन में कर लेता है। तो एक दिन में कितना करते होंगे? 360 को मैंने 45 से भाग किया तो ए एक दिन में 8 यूनिट वर्क करता है। 360 को 40 से डिवाइड किया तो बी एक दिन में 9 यूनिट वर्क करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों ने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, उन्होंने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अब ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा ये हमें नहीं पता, यही आपको क्वेश्चन में निकालना है। बट हमें एक चीज़ पता है, बी ने शेष कार्य जो बचा हुआ कार्य था ना, जब ए छोड़ के चला जाता है जो कार्य बचा उसको बी ने 23 दिन में किया। तो ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा था? अब मुझे ये बताइए, बी एक दिन में 9 यूनिट वर्क करता है, 23 दिन में उसने शेष कार्य कंप्लीट कर दिया, तो 23 दिन में उसने वर्क किया कितना होगा? भाई बी 9 यूनिट एक दिन में करता है तो 23 दिन में कितना करेगा? 207 यूनिट। ठीक है, 23 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में तो कितना होगा? 207। 207 यूनिट बी ने किया होगा जब ए काम को छोड़ के चला गया था, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा था? 207। अब मैं 360 में से 207 को अगर माइनस कर दूं तो हमारा जो यूनिट वर्क बचेगा वो कौन सा बचेगा? जब दोनों के दोनों ए और बी मिलकर के वर्क करते थे, तो 360 में से 207 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 153। ठीक है, तो आपका जो 153 बचा है ये तो दोनों ने मिलके किया होगा। ए करता है एक दिन में 8 यूनिट वर्क, बी करता है 9 यूनिट वर्क, तो दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा? 17 यूनिट वर्क। और 153 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लेंगे दोनों के दोनों? 9 यूनिट। यानी कि इन दोनों ने 9 दिन तक तो वर्क साथ में किया था, 9 दिन बाद ए कार्य को छोड़ के चला गया था, फिर रिमेनिंग वर्क को बी ने 23 दिन में किया था। तो ए कितने दिन बाद वर्क को छोड़ के गया था? 9 दिन बाद। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं साथ ही साथ में। अब पाइप एंड सिस्टम से, पाइप एंड सिस्टम से भी बहुत सारी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दो पाइप एक टंकी को क्रम 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में ये पाइप क्रम 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे प्रातः खोल दिए जाते हैं। टंकी कितने बजे खाली होगी ये आपका पूछा गया है। देखिए, एसएससी आपका रेलवे में 2005 में पूछा गया था, रेलवे में 2006 में पूछा गया था, तो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। भाई यहाँ पे बोला गया है कि दो पाइप टंकी को भरते हैं 15 और 12 घंटे में, यानी कि ए पाइप भरने वाला हो गया 15 घंटे में और बी पाइप भरने वाला हो गया 12 घंटे में। फिर बोला जा रहा है कि सी पाइप जो है वो 4 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है, यानी कि सी है जो वो पाइप है वो खाली करने वाला है और 4 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो जो डेंसिटी है सी पाइप की वो ज़्यादा है ए और बी से। ए 5 घंटे में भरता है, सॉरी 15 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है और सी अकेला ही 4 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब जो इसकी डेंसिटी है टंकी को खाली करने की, इसकी इनसे डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है,
तो इनका हम सभी का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया तो कितना आया, 60 आ गया। 60 टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की। 60 को मैंने 15 से डिवाइड किया तो ए एक घंटे में कितना पानी भरता होगा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, यानी कि ए एक घंटे में 4 यूनिट पानी भरता होगा। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 5 टाइम जाएगा, तो बी एक घंटे में 5 यूनिट पानी भरेगा। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सी एक घंटे में 15 यूनिट पानी निकाल देगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे दोनों मिलकर के 9 यूनिट पानी भरते हैं और ये सी अकेला ही 15 यूनिट पानी निकाल देता है। तो अब क्या पूछा है, नेक्स्ट लाइन से देखते हैं। खाली टंकी में ये पाइप 8 बजे यानी कि क्रम वाइज खोले जाते हैं। सबसे पहले 8 बजे ए पाइप खोला जाएगा, तो 8 से 9 तक अकेला ए चलेगा। ए एक घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, तो इसने 4 यूनिट पानी भर दिया होगा 8 से 9 तक। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा पाइप 9 बजे खोल दिया जाता है। तो ए तो ऑलरेडी खुला हुआ है, बी भी खोल दिया जाता है, इसका मतलब कि 9 से 11 तक, यानी कि 2 घंटे, 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे फिर ये ए और बी दोनों खुले रहेंगे। तो दोनों पाइप खुले रहेंगे, ए भरता है 4 यूनिट पानी, बी भरता है 5 यूनिट पानी, दोनों मिलके 9 यूनिट पानी भरेंगे। 2 घंटे में कितना भर लेंगे, 18 यूनिट पानी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 यूनिट पानी तो भरा था ए ने, फिर 18 यूनिट पानी भर दिया इन दोनों ने। और कब तक का है ये 11 बजे तक का है। ठीक है भाई, 8 से 9 तक एक चलेगा, 9 से 11 तक फिर दोनों चलेंगे, तो इसका मतलब 11 बजे तक 22 यूनिट पानी भर चुका होगा। अभी हमारे टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 यूनिट की है, बट अभी 60 यूनिट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, इसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको। देखिए, यहाँ पे 22 यूनिट पानी अभी तक भरा जा चुका है। इसके बाद 11 बजे सी भी खोल दिया जाता है। अब सी के जो सी पाइप है उसको खुलने के बाद में पानी भरना बंद हो जाएगा। देखिए, पाइप दोनों चलेंगे, जो ए और बी भरने वाले पाइप हैं वो चलेंगे ज़रूर, बट पानी भर नहीं पाएगा। इसका रीज़न ये रहेगा कि सी पानी जो खाली करने वाला पाइप है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये 15 यूनिट पानी निकालता है, और ए और बी दोनों पाइप मिलकर के 9 यूनिट पानी भर पाते हैं। इसका मतलब पानी भरेगा नहीं, हर एक घंटे में कुछ ना कुछ पानी निकलेगा। कितना पानी निकलेगा, ए और बी 9 यूनिट पानी डाल रहे हैं, ये सी अकेला 15 यूनिट पानी निकाल रहा है, इसका मतलब हर एक घंटे में 6 यूनिट पानी निकलता रहेगा। तो अभी तक जो 22 यूनिट पानी भरा था, इसमें इसको निकलने में कितना समय लगेगा, बस यही आपको बताना है। ठीक है, इस 60 को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँचेगी ना भाई, टैंक भरेगा ही नहीं, बस 22 यूनिट से नीचे खाली होना स्टार्ट हो जाएगा जब सी पाइप खुल जाएगा 11 बजे। तो 22 को आपने 6 से डिवाइड कर दिया, तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, 36 18। ठीक है, और 6 बार जाएगा, फिर 4 बचेगा। ठीक है, 4/6, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/6 को मिनट में बदल लेंगे, ताकि हमें मतलब पूरा एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। तो मिनट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट। तो 3 घंटे 40 मिनट में ये खाली हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते किस टाइम तक खाली होगा। अब 3 घंटे काउंट कर लीजिए, 11 के बाद 1 तो कितना हो जाएगा, 12, 12 के बाद 1, फिर उसके बाद 2, 3 घंटे, फिर 40 मिनट, यानी कि 2:40 PM पे ये टैंक खाली हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले वाला भी अच्छा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका MDH वाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कल भी एग्जाम में आया था, और आज एग्जाम नहीं था ग्रुप डी का, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एनालिसिस की वीडियो क्यों नहीं आई है। तो आज एग्जाम नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा दिए जाए। तो यहाँ पे है, 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, आदमी 1 यानी कि M1, H1 और D1, H1 का मतलब है आर्स और यहाँ पे D1 का मतलब है डे, तो ये इन सभी के हम मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल रखेंगे, जो हमें दूसरी जो कैटेगरी है आपकी, जैसे 6 आदमी 9 घंटे और कितने दिन में कार्य करना है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे, तो इनसे हमें कराना है। अब इसका एक फंडा और भी होता है। अब अगर आप सोच करके देखें कि हम यहाँ पे इन सभी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन सभी की मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है कि इनकी सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें टोटल कार्य मिल जाएगा। भाई आप मुझे बताइए, 9 आदमी 7 घंटे रोज वर्क करते हैं और ये 15 दिन में कार्य कंप्लीट कर देते हैं, तो इन्होंने कितना कार्य किया होगा इन 15 दिन में,
तो 9 आदमी 7 घंटे वर्क करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 दिन तक कितना कार्य किया होगा वो सब कुछ आ जाएगा। फिर हमें कराना किससे है, 6 आदमी 9 घंटे रोज वर्क करें और कितने दिन में करेंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो आप या तो इस तरीके से समझिए या फिर इनको इस तरीके से इक्वल करके लिख लीजिए, जो भी मतलब आपको वैल्यूज दी है 9 आदमी 7 घंटे और 15 दिन इन सभी की मल्टीप्लाई करिए। दूसरी जो वैल्यूज दे रखी है, जो भी नहीं दे रखी उसको एक्स मान लेंगे, वही आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 9 आदमी 7 घंटे 15 दिन में कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 6 आदमी 9 घंटे वर्क करके कितने दिन में कर लेंगे इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखिए इक्वल में लिखी है, इसका मतलब जो भी चीज़ें कट सकती है उसको कट कर लेते हैं। जैसे 9 से 9 कट जाएगा, 3 से 2 टाइम कट जाएगा और ये 3 से 5 टाइम कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 और यहाँ पे 2x। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी 17.5, तो 17 से 1/2 यानी कि 17.5x वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इतने दिन में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा अगर 6 आदमी 9 घंटे वर्क करते हैं रोज। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये है आपका, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात क्रम 4:3 तथा 2:3 है। इन दोनों बर्तनों में मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाकर बर्तन सी में डालें कि इनमें बने मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। देखिए अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 3 बर्तन बनाने हैं, ये 2 बर्तन तो आपको दे रखे हैं, ठीक है। जिसमें पहले वाला बर्तन है इसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 4:3 के, दूसरे वाले बर्तन में 2:3 के। अब पूछा जा रहा है कि इनको एक बर्तन में मिलाया जाए, ठीक है, और किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो नया वाला बर्तन में दूध और मिल्क का रेशियो बने वो 1:1 का बने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तीनों रेशियो तो आपको मिल गए, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक को ले लीजिए, या तो मिल्क को ले लीजिए या वाटर को ले लीजिए। मैं यहाँ पे मिल्क को ले लेता हूँ और उससे आप रेशियो बना लीजिए। जैसे मिल्क को मैंने लिया तो मिल्क का मतलब है 4/7, ठीक है, ये मैंने पहले वाली क्वांटिटी ले ली। दूसरे वाली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5, तो 2/5, और यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो आपकी क्वांटिटी मुझे बनानी है मिल्क और वाटर की, तो वो कितना हो जाएगा 1/2, इसको हम रखेंगे बीच में, ये वाली हमें बनानी है तो इसको बीच में रखेंगे। तो ये हमें बनाना है तो इसको मैं बीच में रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इसमें मतलब मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ आपको मिक्सचर एलिगेशन से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने जो इसमें मिल्क वाली क्वांटिटी ली, यहाँ से भी मिल्क वाली, यहाँ से भी मिल्क वाली और यहाँ से भी मिल्क वाली, ठीक है, सारी की सारी मिल्क वाली लेंगे तो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आप इसी क्वेश्चन को वाटर लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से वाटर वाला रेशियो लीजिए, यहाँ से भी वाटर वाला और यहाँ से भी वाटर वाला, ठीक है, यानी कि ए वाला जो आपका बकेट है जो भी है, ठीक है, दूसरे वाला ये ए बी वाला और बीच में रखेंगे जो आपको बनाना है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/14, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1/10, तो यहाँ पे इनका बना लेंगे हम रेशियो। रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 140, इन दोनों मतलब इनका एलसीएम लेने के बाद में 140 हो गया तो कितना आएगा 14:10, 14:10 इनका रेशियो आ गया। अब 14:10 किसी कॉमन नंबर से कट हो सकता है, जी बिल्कुल कट हो सकता है 2 से, तो 7:5 आपका रेशियो बन जाएगा, भाई 2 से जाएगा 7:5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो नए वाला बर्तन में आपका रेशियो बने वो 1:1 में बन जाए, तो 7:5 में मिलाया जाएगा तो आपका रेशियो 1:1 में बन जाएगा तीसरे बर्तन में जो मिक्सर बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7+77+777+4×7+5×7+, तो इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ये सारे के सारे 7 प्लस नहीं करने हैं, यहाँ पे काउंट करना है, यहाँ पे कितने 7 है, 1 2, ठीक है, 3 4 5, ये इस तरीके से आपको लिख लेना है, सीधा सीक्वेंस में लिखिए 1 2 3 4 5, और इसमें जो भी यहाँ पे संख्या होगी जिसको प्लस करने के लिए बोला गया होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 की इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7×5=35 रखा आपने 3, ठीक है, 7×21=28 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपको इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी और आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला बिल्कुल सेम डिट्टो यही क्वेश्चन है, मैंने आपको बस प्रैक्टिस के लिए बता दिया। यहाँ पे आपको काउंट करना है 1, 1×6 है 2×6 है 3×6 है 4×5×5, ऐसे लिखना है, 6 की मल्टीप्लाई करिए इसमें और ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको 4 करना है, पॉइंट वाले भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, 4 वाले में भी आपको ऐसे ही काउंट करना है।
ठीक है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर फोर जैसे ये फोर है, ये थ्री टाइम दो बार रिपीट हो गया, तो इसमें आपको एक ही टाइम लेना है यहाँ पे और एक टाइम को अलग से ऐड करना है, यानी कि इतना तो आपको पता चल गया ना, ठीक है। अगर सीधा सीधा लिखा है इतनी तो आप कर ही लेंगे मल्टीप्लाई करके, ये आ गया। इसमें ट्रिपल फोर जो ये है इसको अलग से ऐड करना पड़ेगा, तो आपका राइट आंसर जब बनेगा, ठीक है। चलिए जैसे पॉइंट वाले भी देख लेते हैं दो क्वेश्चन। तो पॉइंट वालों में क्या है, यहाँ पॉइंट टू, पॉइंट डबल टू, पॉइंट ट्रिपल टू, पॉइंट फोर टाइम टू, पॉइंट फाइव टाइम टू, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से जो पॉइंट है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे फाइव फोर थ्री टू वन इस तरीके से, ठीक है। बस इतना करना है आपको और इन टू की मल्टीप्लाई कर देनी है जैसे करते थे ऊपर, और लास्ट में आपको पॉइंट देखने लगा कहाँ पर लगाना है, पॉइंट आपका एक के पीछे है तो आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है बस, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। एट में भी बिल्कुल यही करना है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। बार बार ये चीज़ मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ, आप बस ट्राई करिएगा घर पे, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा एक ये क्वेश्चन है आपका, ये कल ही देखने को मिला था आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, तो इसको कैसे करना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्टेशन पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर यह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। देखिए दोनों साइड में देरी देरी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कल भी मैंने समझाया था आपको। ठीक समय पर पहुंचने हेतु रेलगाड़ी की यह दूरी कितने समय में तय करनी होगी, समय आपसे पूछ लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा टी एस वन इंटू एस वन अपॉन में एस माइनस वन, यानी कि एस वन माइनस एस टू, यानी कि डिफरेंस हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 11 मिनट से लेट हो जाता है, और जब 50 यानी कि 40 से बढ़ा के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो 5 मिनट से देर पहुँचता है, ठीक है रेलगाड़ी कोई। तो ठीक समय पर पहुंचने हेतु रेलगाड़ी की है एक दूरी कितने समय में तय करनी होगी, तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना। अगर आपको डिस्टेंस पता चल गई तो आप निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब दोनों साइड में लेट लेट हो रहा है या फिर दोनों साइड में जल्दी जल्दी है, तो आपको क्या करना है, दोनों को माइनस कर लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 11 मिनट से देरी है और ये 11 मिनट से जल्दी पे यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। ये इसको कट कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अदरवाइज़। यहाँ पे देर नहीं है, यहाँ पे जल्दी है, 5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। अगर आपने यहाँ पे देर कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जल्दी पहुँच जाता है, तो जब जल्दी पहुँचेगा एक साइड में देर पहुँचेगा, देर से पहुँचेगा एक साइड में जल्दी पहुँच जाएगा, तो दोनों टाइम को प्लस कर लेना है। डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को प्लस कर लेना है। अगर यही वाली कंडीशन होती जैसे यहाँ पे देरी देरी लिखी थी, अगर यहाँ पे दोनों साइड से देरी से पहुँचता तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे माइनस होता। चलिए अभी मैं इसको यहाँ पे माइनस करके लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 11 मिनट और ये 5 मिनट है, और यहाँ पे आपका 6 मिनट मैंने ले रखा है, मैं गलती से आपको क्या कर दिया 16 सोच लिया था, तो यहाँ पे 6 मिनट है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से जब देरी देरी से पहुंचता है, देखिए अब थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, जो मैंने इससे पहले बोला उसको थोड़ा स्किप करते हैं, यहाँ से दोबारा सुनिए। जब एक तरफ से देरी और दूसरी तरफ से भी देरी तो दोनों का डिफरेंस, अगर एक तरफ से देरी और दूसरी तरफ से जल्दी तो दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिफरेंस क्योंकि दोनों तरफ से देरी है तो कितना आएगा 6 अपॉन में, इसको ये मिनट है तो इसको घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो आपको क्या करना है, आप दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करना है 40 × 50, और दोनों का डिफरेंस लेंगे 40 × 50, तो इसको हम डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ पे कितनी आ जाएगा, भाई देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से जाएगा 60 10 टाइम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 × 50, कितना हो जाएगा आपका ये 2000, और अपॉन में डिफरेंस कितना आएगा 10, यहाँ पे 10 और मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 20 से 20 डिस्टेंस कितना आएगी 20 किलोमीटर। अब इस 20 किलोमीटर को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने में कितना, मतलब किस टाइम पे पहुंचेगा, अगर बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचना होगा तो आप ये बताइए 20 मिनट जो 20 किलोमीटर है ये डिस्टेंस हमने निकाली 20 किलोमीटर, अगर ये 40 की चाल से इसको कवर करे तो कितना समय लेगा, 20 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 20 को 40 से डिवाइड करेंगे 1/2, यानी कि 1/2 समय ले रहा है। 1/2 को अगर मैं मिनट में बदलूँ तो कितना आएगा, मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 आ गया, 30 मिनट आ गया। अब 30 मिनट में जब ये पहुंचता है तो ये कितने 11 मिनट से देरी में पहुंचता है, तो 30 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 19 मिनट, तो 19 मिनट इसका करेक्ट टाइम हो जाएगा। अगर 19 मिनट में पहुंचे तो ये बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाएगी ट्रेन, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
एक है आपका देखिए क्वेश्चन इस तरीके से, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पुल फुल 11 घंटे का समय लेता है, यानी कि कुल लिखा है यहाँ पे यार, ये बहुत सारा कुछ मिसप्रिंट है आज, कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे डिस्टेंस तो हमें नहीं दी गई है, बट हमें बोला क्या गया है, ध्यान से पढ़िएगा, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी को आधी तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है। अब आधी आधी इसका मतलब मैं क्या मान लेता हूँ, इसको एक्स मान लिया मैंने, डिस्टेंस को आधी डिस्टेंस को एक्स मान लिया, तो दूसरी डिस्टेंस भी एक्स हो जाएगी क्योंकि ये आधी डिस्टेंस है, ठीक है। अलग अलग चाल से कवर किया जा रहा है, यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, तो क्या करेंगे इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और कितने घंटे में, 11 घंटे में कवर हो जाती है डिस्टेंस। कोई भी डिस्टेंस है हमें नहीं पता, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि यही हमें निकालना है भाई, एक्स मान लिया हमने इस पूरी डिस्टेंस को, पूरी को नहीं आधी को, और दूसरी आधी भी हमने एक्स मान ली, तो क्या करेंगे, एक्स को मैंने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिवाइड कर दिया, प्लस दूसरे एक्स को भी मैंने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिवाइड कर दिया, तो आपका जो समय आ रहा है, जो टाइम आ रहा है, वो कितना 11 घंटे का आ रहा है, यानी कि 11 घंटे इसको पूरा कवर करने में लग गए। समय का टाइम यानी कि आपका समय निकालने का जो क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, सभी को पता है इस चीज़ का, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इनका निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा सीधा, या फिर आप यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5x और 6x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 × 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x + 6x, तो 11x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 को डिवाइड यहाँ पे 11 से 11 कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी देखिए इस तरीके से x की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 30 आई है, आधी यानी कि आधी डिस्टेंस आपको पता चल चुकी है, मैंने बोला था ना पूरी डिस्टेंस को मैंने आधा आधा डिवाइड कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसको x माना तो दूसरी को भी x मानेंगे, तो टोटल डिस्टेंस आपकी 60 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि आधी डिस्टेंस आपकी 30 है, तो नेक्स्ट आधी भी आपकी 30 हो जाएगी, तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आशा करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिएगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सबसे पहले लिंक होगा, या फिर आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे टॉपिक स्टडी तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ज्वाइन करना और सभी को शेयर करते रहिए, जो भी डाउट आते रहे वो पूछते रहिए, और ये सारी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड करके भी इजीली पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।